पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ एमपी कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से एमपी कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in। सागर जिले के राहतगढ़ के सगौनी उमरिया गांव में आज गरीबों की गरीबी का उस वक्त मजाक बन गया जब राशन दुकान पर लोगों को इल्ली लगे चावल दिए गए। दरअसल सगौनी उमरिया गांव में शासन की मंशा अनुसार गरीबों को लॉकडाउन के चलते 5-5 माह का राशन वितरण किया जा रहा है, लेकिन गरीबों की खुशी उस वक्त काफूर हो गई जब उन्हें इल्ली लगे गंदे चावल बांटे गए। गंदे चावल देख गांव के लोग भड़क गए और राशन का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये चावल बदल कर आएंगे तभी हम लोग राशन लेंगे। उमरिया में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था। डीलर का नाम राहुल राजपूत है, उनके द्वारा मंगर ग्रामीणों ने कंट्रोल का बहिष्कार किया। चावल इतना खराब आया था इसके धूर भी नहीं खा सकते थे, इसलिए हम सब ने मिलकर सबकी सहमति से लिया गया कि आज हम लोग कंट्रोल नहीं लेंगे। आने वाले खाद्यान्न जब चावल सही आएगा जब हम लोग खाद्यान्न प्राप्त करेंगे। पूरे ग्रामवासियों ने खाद्यान्न का बहिष्कार किया। वहीं राशन दुकान के संचालकों का कहना है कि अभी चावल खराब होने के कारण इसे नहीं बांटा जाएगा, बाकी राशन बांट दिया जाएगा। अधिकारी का कह रहे हैं, फुट मैडम से बात करिए, फुट मैडम कहेंगे चावल रोक दो आप। हाँ। चावल के गांव वालों को पंचनामा बुलवा लो, सरपंच को बुलवा लो, उनके साइन करवा लो, चावल छोड़ के जो अन्य राशन है वो वितरण कर दो। चावल की लाने आप ऊपर फोन लगा दो लीड पे, वो ग्रुप में डाल दो कि चावल खराब प्राप्त भाव है वो जो रिटर्न हुए के बाद जब दूसरा चावल आ जाए तो तुम वितरण कर दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार जनता तक पहुंचने वाले इस राशन की गुणवत्ता की जांच नहीं करती या फिर बीच में ही राशन के दलाल घपला करते हैं। राहतगढ़ से इमरान कुरैसी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।